जय मसीह। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 18 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पुराना मनुष्यत्व को उतार डालो और नया मनुष्यत्व को पहन लो। पुट ऑफ योर ओल्ड सेल्फ एंड पुट ऑन द न्यू सेल्फ। पिछले अध्यायों में हमने अध्ययन किया कि पुराना मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व के बारे में, और पुराना परिवार और नया परिवार के बारे में अध्ययन किया है। आज हम देखेंगे वचन में, आज का एपिसोड में आज देखेंगे कि पुराना मनुष्यत्व को उतार डालना और नया मनुष्यत्व को पहन लेना। तो एफिसियों अध्याय 4 का 17 से लेकर 32 तक आज हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। एफिसियों अध्याय 4 का 17। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसा अन्य जाति के लोग अपने मन की अनुतृति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। पौलुस कहते हैं कि अन्य जाति लोग अपने मन के अनुतृति से चलते थे, वैसे अब फिर से ऐसे ना चलो। पुराने मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व के बारे में आज हम अध्ययन करने के लिए आए हैं। तो आज हम देखते हैं कि पुराना मनुष्यत्व क्या है और नया मनुष्यत्व क्या है। तो पुराना मनुष्यत्व में क्या है, वो अपने मन के अनुतृति से चलते थे, मतलब अपने मर्जी के अनुसार, अपने मन में जो भी लगा है उस रीति के अनुसार वो चलते थे। लेकिन वचन में ये बताता है कि उस अनुतृति से, उस अपने मन मर्जी से अभी मत चलो। अभी जो है पुराना मनुष्यत्व, वो पुराना मनुष्यत्व को छोड़कर, पुराने रीति रिवाज को छोड़कर अभी नया परिवार के अनुसार, उसके नया परिवार में चीजें कैसे चलती है उसके अनुसार आप चलो। क्या करते थे पुराना मनुष्यत्व, क्या करते थे, जैसे अन्य जाति लोग कौन है, जो यहूदी नहीं है वो अन्य जाति है ना। तो हम भी यहूदी नहीं थे, तो ज्यादातर आप लोग हम जो है अन्य जाति में ही आते हैं। तो ये जो यहूदी नहीं है वो अन्य जाति है। अन्य जाति क्या करते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो नहीं चलते थे अपने मन मर्जी से, और अपने जो विचार जो आता है, जो हमारे पापी मनुष्य होने के नाते हमारे मन जो भी हम सोचते हैं वही ज्यादातर क्या है, गलतियां ही होती है, तो वो अनर्थ से होते थे। तो पहले हम क्या करते थे, उस अनर्थ से हम चलते थे। लेकिन पौलुस कहते हैं कि अभी जो है आप पुराने नया परिवार में शामिल हो चुके हैं, तो मसीह का देह का एक अंग बन चुके हैं, तो अभी आप क्या करो, नया परिवार के अनुसार या नया अंग, जैसे नया शरीर में अपने जोड़ चुके हैं, उस शरीर का सर जो है मसीह कैसे हमें अगुवाई करता है, उस रीति से आप चलो, है ना। क्योंकि और पुराने रीति रिवाज से या पुराने परिवार के अनुसार आप मत चलो, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि अन्य जाति एक लोग अपने मन के अनुतृति से रिवाज से चलते थे, लेकिन अभी आप अन्य जाति नहीं हो, परमेश्वर के परिवार में शामिल हो चुके हो, तो इसलिए ऐसा मत चलो। क्योंकि उनके बुद्धि अंधेरी हो गई है, क्योंकि क्या हो गया, उनके बुद्धि जो है अंधेरे हो चुकी है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो चुकी है, क्योंकि वो जो है जो सोचते हैं, जो अच्छा भी सोचते हैं वो उनके लिए बुरा ही होता है, मतलब उनके सोच अच्छा सोचने के लिए कोशिश करके सोचते हैं, क्योंकि उनका बुद्धि ही अंधेरी हो चुकी है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें और उनके मन में, मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, क्योंकि उनके उस मन की कठोरता, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, उनके मन कठोर किया गया है, और वो जो है उनके सोच जो है वो जो है अंधेरी हो चुके, वो रोशनी में चल नहीं सकते, रोशनी को देख भी नहीं पाते, इसलिए वो क्या करते हैं, उनका मन भी क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। हम देखते हैं पुराने नियम में फिरौन का मन कैसे बार बार कठोर हो जाता है, एक बार सोचता है कि वो अद्भुत को देखता, परमेश्वर ने जो
अद्भुत चमत्कारों को उनके सामने मूसा करते, तो वो सोचता है कि चलो मैं उनको छोड़ दूं। फिर उनके मन क्या होगा, परमेश्वर के द्वारा, और वो कठोर हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो दोबारा अपने मन को बदल जाते हैं। दुष्ट लोग हमें, हम मसीह में आने से पहले कई चीज़ों को हम छोड़ने के लिए प्रयास कर चुके थे। मेरा ही उदाहरण आप दे सकते हैं, मैं मसीह में आने से पहले कई पुराने आदतें जो हैं होता था उसको छोड़ने के लिए कई प्रयास मैं कर चुका था, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आता था। लेकिन मसीह में आने के बाद पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार हम यदि किसी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है हमें मदद करता है। उसके बाद एफिसियों 4:19 में ऐसा लिखा है कि और वे सुन होकर लुचपन में लगे गए हैं और सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। वो क्या करते हैं, उसके बाद उनका मन जो है गंदगी, मत गंदे से भरे रहता है। उसके बाद उनके सोच में जो भी वो सोचते हैं वो बुरा सोचते हैं, जो भी करते हैं वो बुरा करते हैं, और उनके मन में लालसा है ना, वो लालसा से भरी रहती है। तो ये सारे क्या है, पुराने मनुष्यत्व का कार्य है ना। पुराने मनुष्यों का मनुष्यत्व में क्या है, हमारे बुद्धि अंधेरा हो चुका था, अज्ञानता में हम चलते थे, और जो भी हम करने के लिए कोशिश करते वो गंदा काम ही होता है। लेकिन अभी नया परिवार में आ चुके पौलुस कहते हैं कि ऐसे ऐसे कार्य मत करो। यदि हम 4:20 देखते हैं, 20 और 21 देखते हैं, पर तुमने मसीह की ऐसा शिक्षा नहीं पाई है, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। तो अपोलोस कहते हैं कि अभी आप पुराने परिवार के जैसा नहीं है, अभी आपको क्या है, नया परिवार में शामिल हो चुके हैं, उसमें मसीह जो सत्य है, उस सत्य जो है आपने केवल सुना नहीं है, आपको सिखाया भी गया। परमेश्वर वचन के द्वारा पौलुस जो है एफिसियों को सिखाया है, वो कहते हैं कि आपने अभी आपका परिवार कौन सा है, आपके आशीषें क्या है, आपके पोजीशन क्या है, ये सारे बात मैंने आपको सिखाया, आपको मैंने सिखा दिया है, तो आप सीख चुके हैं, तो अभी नया परिवार के अनुसार आप चाल चलन करो। तो पुराने जो चाल चलन आप चलते थे उसमें मत चलो। उसके बाद यदि हम एफिसियों अध्याय 4:22 से हम देखते हैं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार प्रष्ट होता जाता है उतार डालो। अभी पौलुस आते हैं कि पुराने नया मनुष्य के बारे में तो उन्होंने कई बातें पहला अध्याय से बता चुके, नया मनुष्य का क्या क्या है, उनका पोजीशन क्या है, ये सारे बता चुके। अभी कहते हैं कि पुराने पिछले चाल चलन के पुराना मनुष्यत्व जो बरमाने वाली थी है ना, और अभिलाषाओं के अनुसार वो भ्रष्ट हो चुकी थी, उस कपड़े को, उसको आप पुराने मनुष्य तो क्या करो, उतार डालो। ठीक है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ, और नया मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सूझा। पौलुस कहते हैं कि अभी पुराने मनुष्य, पुराने चीजों को, पुराने वो जो कपड़े आप पहन रखे थे उसको आप उतार डालो, अभी जो है एक नया मनुष्यत्व को आप पहन लो। तो ये ऐसा एक उदाहरण मैं कई बार मैंने सुना भी हूँ, दे भी चुका हूँ। ये है जैसे कि हम नया कपड़े तो पहन चुके हैं, लेकिन क्या है, जैसे हमने एक बहुत अच्छा कोट सूट पहना और सब कुछ, मतलब फेशियल किया, मतलब मेकअप किया, बाल अच्छा से सेट किया, और उसके बाद जो जुराब जो है पिछले सर्दी में जो पहने हैं या कई दिन पहले जो पहने, तो वो जुराब को पहन के हम किसी के सामने जाते हैं, हमारे कोट सूट तो बहुत अच्छा दिखता है लेकिन कुछ गंदगी बदबू जो है हमारे शरीर से बाहर निकलती है ना, वो क्या है, क्योंकि लोगों को तो दिखती नहीं है लेकिन हम जानते हैं है ना। कई बार हम मसीह में हैं, मसीह नया परिवार में शामिल हो चुके हैं, नया परिवार के अनुसार हम चलते हैं, लेकिन उसमें क्या है, पुराना मनुष्य को वो गंदी जुराब जो है वो अभी भी हमारे जीवन में, ऐसे कुछ काम जो है वो हम छोड़ नहीं पाते थे। पौलुस कहते हैं कि उस पुराने आदतों को क्या करो,
उतार डालो। ये मत सोचना है कि पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है, हमें उस पुराने आदत को निकाल के फेंक देंगे, नहीं। तो पौलुस जो है ये कहते हैं कि उस पुराने मनुष्यत्व को क्या करो, उतार डालो। अभी जो है नया मनुष्यत्व को आप पहन लो, उन आदतों को केवल जैसा मैंने बताया था कि परमेश्वर जो है हमारे इसमें से निकाल के फेंक देंगे, नहीं, ये जो चीज़ है हमें उतार के फेंकना होगा। कई बार मैं पुराने समय में, कई बार मसीह में नया मतलब 4-5 साल पहले भी मैं सोचता था कि कुछ आदतें मेरे से छोड़ नहीं पाता था। मैं सोचता था कि ये चीज़ें जो हैं मतलब अपने आप मसीह में होने के बाद चले जाएगी, गंदे जुराब क्या अपने आप उतर जाएगी क्या, नहीं, हमें उतारना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है जैसा हमने जो शोट कोट शूट हमने पहना है उसमें गंदे जुराब जो है शोभा नहीं देती है, इनको क्या करना होगा, उतार के डालना होगा। तो पहले पौलुस भी यही कहते हैं कि इन चीजों को तुम्हें खुद उतार के डालना होगा। और नया नया मनुष्य तो कैसे होगा, वो परमेश्वर जैसा, परमेश्वर की धार्मिकता जैसा, परमेश्वर जैसा पवित्र है वैसा जो है नया मनुष्यत्व होगा। उसके अनुसार अभी आपको क्या करना है, चलना है। आप केवल आपको नहीं, मुझे भी उस नया मनुष्यत्व में चलना जरूरी है। यही पौलुस कहना चाहते हैं कि वो पुराने सारे आदत जो भी है, पुराना मनुष्य, परमेश्वर ने ऐसे ही जैसा हम थे वैसे ही हमें उनके परिवार में शामिल कर दिया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि तुमने ये सारा छोड़ोगे तभी मैं तुम्हारे तेरे परिवार में शामिल करूंगा, नहीं, परमेश्वर ने जैसा हम थे वैसे ही हमें शामिल कर दिया। लेकिन परमेश्वर अभी जो है हमारा कार्य क्या है, उस पुराने मनुष्यत्व को उतार डालना जो है परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के शरीर में जो है वो सारे चीजें शोभा नहीं देती है, उसको उतार डालना जरूरी है। हम आगे पढ़ते थे लेकिन यदि मतलब नया मनुष्य तो कुछ उदाहरण जो है पौलुस कहते हैं नया मनुष्य तो में, नया परिवार में क्या क्या शोभा नहीं देती है। यदि हम पढ़ते हैं एफिसियों 4:25 में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे का अंग, जैसा हम परमेश्वर के परिवार या मसीह के देह अंग बन चुके हैं, अभी पौलुस कहते हैं कि एक दूसरे से झूठ मत बोलना। पुराने परिवार में हम क्या करते थे, झूठ बोलते थे, हम जो भी अपने मन में जो भी उस समय में क्या सही लगता था उसी अनुसार हम बात करते थे। पौलुस कहते हैं कि नहीं, पुराने मनुष्यत्व के अनुसार मत चलो, अभी पहले आप झूठ बोलते थे लेकिन अभी झूठ मत बोलो। झूठ बोलना नया परिवार में शोभा नहीं देती है। अपने पड़ोसी से मतलब सच बोलो, ताकि क्योंकि आप क्या है, एक परमेश्वर के शरीर के एक ही शरीर के अंग है। जैसे कि हमारा आग जो है हमसे मतलब हमारे हाथ से या दूसरे अंग से झूठ नहीं बोल सकता, नहीं नहीं, मैं ऐसा कर मान के चलो हमारे हाथ में किसी कोई गिरने वाला है, तो आग ने देख लिया, उन्होंने हमारे हमें नहीं बताया कि अरे गिरने वाला है हाथ हटा दो, यदि ऐसा नहीं बोलता, नहीं मैंने देखा नहीं बोल के आग बंद कर दिया, तो हम क्या करते हैं पूरे शरीर को ही वो नुकसान पहुंचता, अगले बार आग में कोई धूल घुसने का टाइम में हाथ भी उसको रोकेगा नहीं। तो हम एक परिवार के सदस्य हैं, उसमें क्या करना चाहिए, सत्य सच बोलना जरूरी है। पुराने परिवार में कुछ भी आप करते थे झूठ बोलते थे कोई बात नहीं, लेकिन नया परिवार के सदस्य हम बन चुके हैं, झूठ बोलना शोभा नहीं देती है। उसके बाद यदि हम 4:26-27 हम देखते हैं, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने से तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। कई बार इस वचन को लोग अध्ययन करते हैं कि गुस्सा तो कर सकते हो लेकिन शाम तक क्या करना चाहिए, ठीक कर लेना चाहिए। मतलब किसी को पत्नी को, कई बार हमने परिवार में सोचते हैं, मैंने कई बार सुना हूँ पत्नी को क्या है, एक चाटा खींच के मार दिया, फिर बोलते हैं कि अच्छा शाम तक जो है पत्नी से मतलब ठीक ठाक हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्रोध मत करो मतलब क्रोध नहीं करना, लेकिन क्रोध किस चीज के लिए करना है, वो जो है जैसे कि मसीह ने क्रोध किया, मसीह ने तब कुछ चीज़ों को गलत देखा, उन्होंने मसीह ने क्या किया, क्रोध किया, वो जो है बदला लेने का नहीं है या हमारे मतलब गुस्सा को ठंडा करने के लिए नहीं है, लेकिन क्या है, एक इंग्लिश में हम कहते हैं राइचियस एंगर, एक धार्मिक
क्रोध ऐसा बोल सकते हैं, वो जो है मतलब मेरा भाई कुछ गलत कर रहा है, मतलब उनको मसीह में लाना। एक जैसा पेरेंट्स जो है माता पिता जैसा क्रोध करते हैं बच्चों पर, क्यों वो गुस्सा करते हैं, ताकि बच्चे जो है वो बिगड़ ना जाए। तो वैसे उस रीति से मतलब किसी से प्रेम से हम गुस्सा करते हैं वो अलग बात है, लेकिन क्या है हम अपने बदला लेने के लिए क्रोध लेके हम बोलते हैं, हम शाम तक बोल रहे हैं सारी बोल देंगे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा सोचते हैं कि कोई भी नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, गुस्सा तो कर सकते हैं लेकिन शाम तक ठीक कर देना चाहिए, लेकिन जो चोट हम किसी को पहुंचाते हैं अपने शब्द से या अपने हाथ से, जो भी कैसे भी हम गुस्सा करते हैं वो चोट को हम क्या नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। लेकिन जैसा मसीह इस परिवार इस दुनिया में रहते हुए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जैसा एक बार गुस्सा किया था तो परमेश्वर के मंदिर में उन लोग कार्य करते थे, वैसा हमें क्या करना चाहिए, गुस्सा कर सकते ताकि शैतान को हमारे परिवार में किसी भी अंग को शैतान को एक अवसर मिले, ताकि उस अंग को इस शरीर से वो अलग करने के लिए प्रयास ना करें। उसके बाद यदि हम एफिसियो 4 का 28 से 31 से हम देखते हैं, चोरी करने वाला फिर से चोरी ना करे। ये सारा जो है एक उदाहरण पौलोस देते जा रहे हैं, पुराने मनुष्यत्व में आप चोरी कर रहे होंगे लेकिन नया मनुष्यत्व में क्या है, चोरी करना शोभा नहीं देती है। और चोरी करने वाला क्या करना चाहिए, वरन भले काम करने में अपने हाथों को परिश्रम करे। यदि हम एक उदाहरण में बाइबल में देखता हूँ, जक्कई नाम का एक आदमी था, वो क्या करता था, लोगों को लूट कर पैसा लेता था। तब मसीह उनके जीवन में आया, वो क्या किया, वो कहता है कि मैं उन सबको कई गुना वापस करूंगा। यदि किसी को मैं लूट के लिया होता तो मैं क्या करूंगा, कई गुना उसको वापस करूंगा। तो ये मतलब चोरी करना मतलब वो लेते हैं, लेकिन मसीह का देह में क्या है, देना शोभा देती है, लेना नहीं देना जो है शोभा देती है। उसके बाद कोई भी गंदी बात तुम्हारा मुंह से ना निकले। पुराने मनुष्यत्व में क्या है, हमारे कुछ भी हमारे मन करता था उस चीज को हम बोलते थे, लेकिन नया मनुष्यत्व में क्या है गंदी बात जो है वो नया परिवार में शोभा नहीं देती। उसमें क्या है, कोई भी गंदी बात तुम्हारा मुंह से ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। क्या है उन्नति के लिए, मतलब एक दूसरे को उन्नति के लिए जो चीज उत्तम हो वो ही तुम्हारे मुंह से निकले। कई बार हम सोचते हैं कि हम थोड़ी गाली देते हैं, हम गाली ही गंदी बात हम सोचते हैं, लेकिन जो बात हमारे मुंह से निकलता हो और लोगों के जीवन में उन्नति नहीं लाता हो वो बात गंदी बात में आती है, और वो हमें नहीं करना है। हमें वही बात करना है जो दूसरे को जीवन में उन्नति लाता हो। और उसके बाद परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ये सारे चीजें पौलुस जो उदाहरण देते हैं उसके द्वारा क्या होता है, परमेश्वर की आत्मा जो हमें वास करता है वो शोकित होता है, वो दुख होता है। इन कार्य को ऐसे कार्य को मत करो पौलुस कहते हैं, जिससे तुम पर छुटकारा के दिन के लिए चाप दी गई। हमने बोल दिया था परमेश्वर के चाप जो है हम पर, पवित्र आत्मा के चाप हम पर लगी हुई है, उन पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। पौलुस ने जो भी कार्य एक अभी कहते आए वो कहते हैं कि ये सारे चीज जो है तुम्हारे जीवन से दूर किया जाए, क्योंकि ये सारे चीजें जो है नया परिवार में शोभा नहीं देती है। ये सारे नया परिवार के हमारे जीवन से लोग देखते हैं तो उनके जीवन में उन्नति नहीं होगा। तो मसीह का देह में हम एक जुड़ चुके हैं, तो ये सारे बात पौलुस जो उदाहरण देते आए ये सारे चीजें जो है हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। उसके बाद अध्याय 4 का 32, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तुम एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। ये जो है ये विषयों अध्याय 4 का 32, तो 4 का एफिसियों अध्याय 4 का 32 में ये लिखा है कि एक दूसरे को
एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। हमें क्या करना चाहिए, हम एक शरीर के अंग हैं तो हम क्या करना चाहिए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय होना चाहिए। और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। हाँ, किसी ने कई बार हमारे कलीसिया में और अपने लोगों के बीच में डिस्कशन होती है कि हम कितने बार दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, है ना। तो पहले तो मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने तो किया 70 बार, इसका मतलब 490 बार हम जो है एक दूसरे को गलती को क्षमा कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए, लेकिन पौलोस जो है, पौलोस के द्वारा यदि नया वाचा में ये है कि जैसा मसीह ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। इसका मतलब हमारे कितने बार हम दूसरों को क्षमा करना है, हमें ये सीधी सीधी बात है, जितने बार मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, उतनी बार हम एक दूसरे को अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे को प्रेम करते हुए, हम सब मसीह का सदैव का एक अंग है, अलग अलग अंग है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर कृपालु और करुणामय, यदि कोई दुखी है उनको मदद करें, यदि कोई जरूरतमंद है उनको किसी भी तरीके से हम मदद कर सकते हैं, उनको मदद करें। उसके द्वारा क्या होगा, लोगों को पता चलता है कि ये पुराने परिवार के लोग नहीं है, एक नया परिवार के लोग, ये पुराने कपड़े को उतार चुके हैं, ये जो है नया मनुष्यत्व को पहन चुके हैं, नया परिवार। इस व्यक्ति जो है पुराने में ऐसा था, लेकिन अभी जो है इस व्यक्ति बिल्कुल बदल चुका है। उसके द्वारा क्या होगा, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगा। आई एम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आज हमने एफिसियों अध्याय 4:17-32 से हमने सीखा है जी, प्रभु जी हम एक नया परिवार के सदस्य हैं, मसीह का देह का एक अंग है। पिता परमेश्वर, हमें इसमें लिखा गया है कि नया मनुष्यत्व को, जो पुराने परिवार के जो भी रीति रिवाज हैं उस सबको छोड़कर नया परिवार के रीति रिवाज के अनुसार चलने के लिए, नया परिवार के सदस्य बनकर और मसीह का देह, उसका सर जो है मसीह है, उसके आज्ञा के अनुसार चलने के लिए हमें अगुवाई करना। परमेश्वर, हमारे जीवन को आपका हाथ में सौंपते हैं, हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।